खुशखबरी है सीधी खातिर, जहां संजय टाइगर रिजर्व में बढ़ी बाघन के कुनवा। उमरिया से ले आई बाघिन का छोड़ा गा कुसमी के संजय टाइगर रिजर्व में। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनीश तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये बेहद बड़ी खबर के, जो ने हम अपना प्रचार बताई दी कि मुख्य वन रक्षक एवं क्षेत्र संचालक संजय टाइगर रिजर्व सीधी बाईपी सिंह के द्वारा एक जानकारी में बतावागा कि विगत दिनों जो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया से जो मादा बाघ ले आई के कुसमी के जंगल मच महुआ माँ बने अस्थायी बाड़ा में छोड़ी गई रही। अब जो है ओकर 9 जून का शाम का बाड़े के गेट खोल देगा, परंतु रात भर जो है मादा बाड़ा से जो है निकली नहीं तथा 10 जून का प्रातः 6 बजे निकल के बीट खरसोती के जंगल में लगभग 2-3 किलोमीटर तक भ्रमण करके माच महुआ के पास जंगल में रह रही है। श्री सिंह के द्वारा बतावागा कि यह मादा बाघ खातिर 11 जून का एक नर बाघ का निश्चित करके रेस्क्यू वाहन से पुनः कुसमी के जंगल मच महुआ के बने अस्थायी बाड़ा मां शिफ्ट कीनगा है, जौने से 2-3 दिन बाद जंगल मां विचरण की तिथि छोड़ दी जाएगी। यह नर बाघ का अस्थायी बाड़ा मां चौने मां पूर्व मां मादा बाघ का रखा गया रहा ताकि हुआ मादा बाघ के गंध हो यूरिन आज का सूंघ के जंगल मां जोड़ा बना सके, जौने से संजय टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बाघन की संख्या में वृद्धि हो सके। फील्ड डायरेक्टर वाईपी सिंह के द्वारा बतावागा कि बीते 10 जून का दुबरी परिक्षेत्र के गोदई बार में अस्थायी रूप से रह रही मादा बाघ जेकर कालर ट्रैकिंग हेतु 4 वर्ष पूर्व लगा वगैरह अत्यधिक टाइट हो जाए के कारण उनका निश्चेत करके कालर हटाए के पुनः मादा बाघ का स्वच्छंद भ्रमण की तिथि छोड़ा गया है। मादा बाघ के 6 माह से के 3 सावक जो है उनके साथ रह रहे हैं। उनके द्वारा बतावागा कि नरबाघ के जो है कॉलरिंग के कॉलर WTC द्वारा प्रदान किया है तथा सभी कार्य का संपादित करे के कार्य जो है संजय टाइगर रिजर्व सीधी के डॉक्टर अभय सेंगर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया के डॉक्टर नितिन गुप्ता, WTC के डॉक्टर प्रशांत एवं सेवानिवृत्त उप संचालक पशुपालन विभाग सीधी के डॉक्टर कैलाश तिवारी द्वारा किया गया है। अपना प्रचार बताया दें कि संजय टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर वाईपी सिंह के द्वारा अपने द्वारा एक अपील में कहा गया है कि कुसमी भदौरा सोनगढ़ खरसोती आदि गावन में मुनादी कराए के आम जनता का बाघ के विचरण के संबंध में सूचना दी गई है और आम जनता से अपील की गई है कि उस जंगल में अकेले न जाए तथा उस जंगल में जब जाए तो चौकन्ना और सतर्क रहे। तो निश्चित तौर पर एक बेहद अच्छी पहल ही और ये खुशखबरी हुई कि सीधी के या संजय टाइगर रिजर्व में जो है अब बाघन के कुनबा में वृद्धि करे खेती, या कहा जाए कि टाइगर रिजर्व के द्वारा एक बेहद अच्छी पहल ही और ये पहल में अब नर्म और मादा बाघ का जो है एक साथ रखा गया है और या उम्मीद जताई जा रहा है कि बहुत जल्द जो है बाघन के संख्या में संजय टाइगर रिजर्व में बेहद वृद्धि देखी जाए। आपन बहुत ख्याल रखें, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद, प्रणाम।